बेमेतरा जिले के बेला तहसील के अंतर्गत ग्राम करेली में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी धनंजय वर्मा की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा को मिली। उक्त शिकायत के आधार पर फर्जी अंक सूची के सत्यापन के लिए डीईओ बेमेतरा ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर भेजा है। हालांकि यह पत्र 15 से 20 दिनों पहले भेजा गया है, लेकिन अभी तक पत्र का कोई जवाब माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से डीओ कार्यालय को नहीं दिया गया है, जिससे अंक सूची के सत्यापन नहीं होने के चलते अभी तक संबंधित शिक्षक पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले में धनंजय वर्मा की तर्ज में ही फर्जी अंक सूची, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर या फर्जी डीएड बीएड प्रमाण पत्र के आधार पर लगभग 150 से अधिक प्रकरण होंगे, जिसकी यदि जांच की जाए तो प्रदेश भर में सबसे अधिक मामले सामने आएंगे, जो शासन के नियमों के तहत संविलियन का लाभ लेकर अब नियमित शिक्षक एलबी की हैसियत से अपात्र होने के बाद भी कार्यरत होकर शासन से वेतन व भत्ता भी ले रहे हैं। फर्जी शिक्षा कर्मियों के सत्यापन के लिए गठित समिति जांच करती है, वहीं कार्यवाही की सूची तैयार होने के बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब यह मामला समुचित कार्यवाही आखिर क्यों नहीं हो पाती, इसको लेकर कई सवाल उठते हैं। आज से 18 समय काम कर रहा हूँ। आपको जब मेरा कार्यक्रम सर्टिफिकेट फर्जी था तो आपको समय निकालना था। जैसे कि मैं किसी दुकान में जाऊँगा, 100 रुपये का नोट दूंगा, उसको नकली है तो उनको सामान लेके क्या, वो सामान को नहीं देगा 100 रुपये का ना सामान, ना मेरे को नौकरी मिल गया है। बताओ, अभी प्राथमिक शाला करेली विकासखंड बेरला में कार्यरत है, इसके मार्कशीट फर्जी है और गलत ढंग से भर्ती प्रक्रिया हुई है, के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। इसकी भर्ती 2006 में नियुक्ति हुई है जनपद पंचायत के द्वारा उस समय का, और उसके सर्टिफिकेट फर्जी के शिकायत के संबंध में इसकी जांच परीक्षण के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड को कार्यालय को प्रेषित करें।